उसको कहा जा रहे हमारे स्नोडन स्नोडन भाई दो ना एक दो की दो ले लिया तुमने लो भाई तो नए दिन की शुरुआत हमने कर दी है। अब आज हम घूमेंगे कौन सी जगह घूमेंगे? स्नोडोनिया। स्नोडोन नाम है उसका। स्नोडोन माउंटेन, राइट? स्नोडोन माउंटेन जो कि बहुत फेमस प्लेस है। भाई पता तो चलना चाहिए लोगों को कि कहाँ जाने वाले हम लोग। तो स्नोडोन माउंटेन जा रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पे जाना है। वो एक बहुत फेमस प्लेस है, मतलब स्नोडोनिया जो फेमस हुआ है मेनली स्नोडोन माउंटेन के कारण फेमस हुआ है, जो जहाँ पे ट्रैकिंग वैकिंग लोग करते हैं। और ये जो अगर आप बाय वॉक जाते हो तो आपको 6 घंटे 7 घंटे की ट्रैकिंग है। तो चलिए उधर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है हमारा एक्सपीरियंस, और आपको वीडियो के ज़रिए घुमाते हैं स्नोडोन माउंटेन स्नोडोनिया। ने कॉलविन बे से ये ट्रेन पकड़ी है। ये ट्रेन हमको लेके जाएगी बेंगलोर, और बेंगलोर से हमको एक बस पकड़ना है, S2 बस नंबर है। वो बस पकड़ के हमको जाना है स्नोडोन। तो वो जो स्टॉप का नाम है, क्या नाम है भाई? मैस पर्सियो कार पार्क है स्टेशन का नाम। वहाँ पे जाना है और वहाँ से सीधा बाय वॉक है, 1 मिनट का रास्ता है एज पर रोहित भाई। देखते हैं रोहित भाई सही है। तो दोस्तों 1 मिनट का रास्ता, कितना टाइम लगेगा पहाड़ चढ़ने में? 6 घंटा। 3 चढ़ने में 3 चढ़ना होता है, और 2 घंटे तुम्हारी फोटोज निकालने में, 2 घंटे चश्मे के साथ, चश्मे के बिना। कॉलविन से बेंगलोर के लिए जो टिकट है वो 10 पाउंड ईच है, बट अगर ग्रुप पे जाते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, जो कि हमको मिला था। तो ये टिकट हमको मिला है 7.5 पाउंड में रिटर्न, सेम डे रिटर्न। गणित लगा दी तुमने। पहुंच चुके हैं बेंगलोर स्टेशन। बेंगलोर स्टेशन से हम आ चुके हैं बस स्टॉप पे, और अभी वेट कर रहे हैं बस का। S2 नंबर की बस है, तो ये बस स्टॉप के पास होपफुली आएगी। कल जैसा ना हो जाए कि बस का वेट कर रहे हैं और बस ही ना आए, और ये बस हमको लेके जाएगी स्नोडोन माउंटेन के पास। तो चलिए वेट करते हैं बस का, और बस में बैठ के आपसे मिलते हैं। बस यहाँ पे आपको ट्रेन भी मिलती है जो आपको स्नोडोन माउंटेन के ऊपर लेके जाती है। हम ट्रैक करने वाले हैं तो बाय वॉक जाएंगे। आगे से भी आप चढ़ सकते हो, आगे भी स्टॉप है, बट ये वाला जो स्टॉप है यहाँ से थोड़ा कन्वीनियंट है, पर गिरने का थोड़ा डर कम है। और हम एक्सपर्ट और एडवांस ट्रैकर्स नहीं है, तो इसलिए हमने ये वाला सिंपल वाला रूट चुना है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 1-2 माइल ज़्यादा है, बट हाँ थोड़ा सिंपल है, रिस्की कम है। तो चलिए चढ़ते हैं ऊपर और आपको भी दिखाते हैं। सभी लोग देख सकते हो अब जा रहे हैं, बच्चे उच्चे सब। आप इधर टिकट देख सकते हो, अडल्ट का प्राइस है 35 पाउंड, चिल्ड्रंस का प्राइस है 25 पाउंड। अडल्ट सिंगल अगर आप लेते हो तो 25 पाउंड में पड़ेगा, और चिल्ड्रंस लेते हो 15 पाउंड, अडल्ट रिटर्न्स 45 पाउंड, और चिल्ड्रंस रिटर्न 35 पाउंड। आज की पूरी टिकट फुल है, इफ मे स्टिल बी पॉसिबल टू बुक फ्रॉम अदर डेज। आज का टिकट फुल है। तो दोस्तों अगर आप आते हो और आपको ट्रेन से
ट्रैवल करना है तो फॉर श्योर आप टिकट ऑनलाइन ही बुक करें, क्योंकि यहाँ पे आके इतनी दूर आके और आपको टिकट ना मिले तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देख सकते हो इस टाइप की ट्रेन है, यहाँ से ट्रेन खुलती है और फिर आपको लेके जाती है पहाड़ के ऊपर। बहुत सारी अलग अलग ट्रेन से लोग निकल चुके हैं माउंटेन चढ़ने, तो कॉफ़ी उफ़ी ले लिया एनर्जी के लिए। कॉफ़ी पीते पीते चलेंगे ऊपर। आप देख सकते हो भाई लोग हमारे निकल चुके हैं और इधर पे भी भाई लोग हैं। ए भाई चलो सब लोग अभी। अरे वो पूरा रास्ता बना हुआ है यार, उसमें लिखा हुआ है। हाँ अच्छा ओके। तो दोस्तों भाई लोग मैप में रास्ता उस्ता लगा रहे हैं और रास्ता लगा के हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे 200-300 meters दूर एक कैसल सा है, वहाँ से ना दोनों लेक्स का व्यू मिलता है बड़ा अच्छा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ वहाँ चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि आते समय अगर हम लोग वहाँ से नीचे से आएंगे ना दूसरी साइड से तो हमारे आपके ही छूट जाएगा इधर का व्यू। चलते ना फिर। चलो कन्वीनियंट कैसे भाई आपको? तो दोस्तों बेहतरीन सा रास्ता अब देख सकते हो, जंगल के बीचों बीच चल रहे हैं हम लोग। कीचड़ है भाई, जूता संभाल के, क्योंकि अभी ट्रैकिंग भी करना है। आजा भाई। तो दोस्तों ये भी एक कैसल है, 1282 में बना था ये, और विल्स प्रिंस एंड मेजर प्लेयर इन पॉलिटिक्स। ये सामने आप देख सकते हो कैसल, सुंदर सा, लोग आ रहे हैं ये कैसल से। हवा, तेज हवा। अरे हिमांशु भाई चढ़ गए ऊपर, इधर पे भाई लो शानदार पहाड़ का व्यू। बेहतरीन नज़ारा, घास की कटिंग कर रहे हैं, मेंटेन करके रखते हैं दोस्तों ये अपने मॉन्यूमेंट्स को। सामने आप वो झील देख सकते हो, सामने पहाड़, ये कैसल है। तो यहाँ पे राजा महाराजा बैठते हैं। हाँ टॉप मोस्ट पे आ गए हम लोग, इससे ऊपर नहीं आ सकते, ये लगा दिया है। सामने देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों, ये हमारे हिमांशु भाई, अतुल भाई और ये सौरभ भाई। ठंडी लग रही है, क्या बोल रहे, क्या बोलना चाहोगे हिमांशु भाई? बस खूबसूरत नजारा। हम लोगों ने कैसल घूम लिया है और वापस अभी जा रहे हैं स्नोडन माउंटेन की चढ़ाई चढ़ने। देख सकते हो रिटर्न टू स्नोडन माउंटेन। तो दोस्तों अगर आप यहाँ आते हो तो एक सुंदर सा कैसल है, ज़रूर विज़िट करें, व्यू बहुत अच्छा है, फ़ोटो शूट आउट करें और नेचर का वीडियो का मज़ा लें। थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया है, थोड़ा ब्रेकफास्ट तो घर से करके आए थे तो थोड़ा बोला कि चढ़ने से पहले थोड़ा खा लेते हैं एनर्जी के लिए, तो थोड़ा बहुत खाया और अभी चले। तो दोस्तों ये पीक पे आ गए हम लोग। सर भाई डर गए, कुछ नहीं है सर भाई, कुछ नहीं, आ जाओ आ जाओ। सर भाई डर गए, सर भाई आ जाओ, कुछ नहीं होता।
तो दोस्तों थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ। बोल दिया ना आज इसे मिस कर दिया। हाँ, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ ऐसी छोटी छोटी जिप्स घूम जाती है। मैं सच बताऊँ दोस्तों, मैंने निरंजन भाई को इससे बुकिंग कभी नहीं दी। बहुत दुख हुआ।